देवतालाब विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी पद्मेश गौतम ने भारी जन समर्थन के साथ में कलेक्ट्रेट कार्यालय मऊगंज पहुंचकर दाखिल किया नामांकन। दो राष्ट्रीय पार्टियों ने चाचा और भतीजे को मैदान में उतरकर मुकाबला दिलचस्प कर दिया, जिसमें चाचा वर्तमान विधायक एवं मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं उनके सगे भतीजे पद्मेश गौतम को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में अधिकृत किया है, जिसमें 27 अक्टूबर शुक्रवार को हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस प्रत्याशी पद्मेश गौतम ने नामांकन दाखिल किया। सबसे मजे की बात यह देखने को मिली कि पद्मेश गौतम जैसे ही नामांकन दाखिल करने अंदर पहुंचे, बहुजन समाज पार्टी के झंडा थामे हुए लोगों के बीच से पद्मेश गौतम जिंदाबाद के नारे लगने लगे, जो चर्चा का विषय बना रहा। मुझे माननीय आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी एवं महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष विभा पटेल जी ने देवतालाब विधानसभा का प्रभारी बनाया है, और आज हमारे आदरणीय बड़े भाई पद्मेश गौतम जी का नामांकन जो कि काफी चर्चा भर रहे हैं, और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम क्षेत्र में लगकर आदरणीय अपने बड़े भाई को भारी मतों से विजयी बनाएं। देखिए, महिलाओं के बिना कोई भी कार्य इस देश में संभव नहीं है, तो आदरणीय ने मुझे देवतालाब क्षेत्र का प्रभारी इसलिए बनाया क्योंकि ये गांव का क्षेत्र है और यहाँ महिलाएं अक्सर पीछे रहती हैं, तो मेरा काम ये रहेगा कि मैं डोर टू डोर जाके, जैसे हमारे पुरुष भाई आप दिखा सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, पुरुष भाई हमारे यहाँ जागरूक हैं, महिलाएं भी हमारी यहाँ जागरूक हैं, लेकिन जो महिलाएं हमारी यहाँ जागरूक नहीं हैं उनको मैं जाऊंगी डोर टू डोर, उनको जागरूक करूंगी। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की जो वचन है, पांच वचन है, जैसे कि कमलनाथ जी का वचन ये है कि वो जो टंकी शिवराज मामा 1200 में दे रहे हैं, उन्होंने घोषणा तो कर दी कि 400 में मिलेगी, लेकिन आज तक किसी महिला को मिली नहीं है वो टंकी, वो 500 रुपये में देंगे। और बिजली का बिल देखिए, महंगाई देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई को कम किया जाएगा, बिजली 100 यूनिट माफ रहेगी, 200 यूनिट ऑफ रहेगी, किसानों का कर्जा पहले भी कमलनाथ जी ने माफ किया था, अब फिर से माफ करेंगे। और बेरोजगार भाई देखिए, हमारे युवा साथी कितने बेरोजगार हो गए हैं, उनको रोजगार दिया जाएगा। इस प्रकार के जो भी वचन हैं बहुत सारे हम जाके महिलाओं को बताएंगे, अपने भाइयों को, युवा साथियों को बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस पूरी सरकार से जनता आज ही जोड़ चुकी है, वो परिवर्तन चाह रहे हैं, और निश्चित तौर पर इस बार रीवा और मऊगंज जिले की 8 की 8 सीटें कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, देवतालाब की स्थानीय समस्याएं बहुत सारी, और सबसे बड़ा मुद्दा यह है वहाँ वर्तमान समय में एक भय का वातावरण है, उस भय के वातावरण को दूर करना सबसे पहली प्राथमिकता है। उसके बाद तो तरह तरह की बातें हैं, देवतालाब के मंदिर का विकास है, हमारे यहाँ एक पर्यटन का केंद्र बहुत ही जल प्रपात है, उसका विकास कार्य कराना, नहरों का निर्माण कार्य किया है जो 2017 तक कम्प्लीट हो जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हुआ, उसको पूर्ण कराने का काम करेंगे। इसी तरह की जो अन्य समस्याएँ हैं उनको पूरा करने का प्रयास। मैं तो यह मानता हूँ कि इस बार कांग्रेस पार्टी की लड़ाई किसी से है जी नहीं, कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और सारे के सारे प्रत्याशी चुनाव जीत कर आ रहे हैं। समर्थक कह रहे हैं कि बेटा को हराया, चाचा की बारी, इसलिए आपका अब यह जनता की मंशा हो सकती है, जनता अपना निर्णय 3 दिसंबर को होगा। क्या मार्जिन रहेगा, क्या मार्जिन दे सकता है? अब यह तो जनता के मतदान पर निर्भर करेगा, आप इंतजार करिए। कितनी विधानसभा सीटें आ सकती हैं मध्य प्रदेश में? 150 से ऊपर सीटें आने का। 80 में कहाँ चुक हो रही है? 80 में कहाँ चुक हो रही है? ठीक है, चलिए 80 सीट, और जो 150 आप बता रहे हैं, बाकी जो 80 सीटें हैं वो वहाँ पर कहाँ चुक हो रही है? कुछ दूसरों को भी दे देना।